अरे यार, मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो गेम नहीं खेला। बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। एक काम करता हूँ, आज मैं किसी से कुछ लड़ाई नहीं करूँगा, सीधा घर जाके वीडियो गेम खेलूँगा। मज़ा आएगा, वो भी GTA 5 खेलूँगा मैं। अरे क्या ही ज़िंदगी होगी। जल्दी जाता हूँ यार, देखता हूँ उस गेम में कितना मज़ा आएगा। जल्दी चलते हैं घर की तरफ। एक मिनट, मुझे कुछ सही फील नहीं हो रहा है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, मुझे चेक करना चाहिए। ए कौन है? अरे बाप रे, कौन आया? ओह, ब्लू हल्क, तुम्हारे सेंस तो काफी सही हैं, लेकिन तुमने दिक्कत कर दी। आज तुम GTA 5 नहीं खेल पाओगे। अरे नहीं, मैं GTA 5 खेल के रहूंगा कैसे भी करके। मैं भागता हूँ यहाँ से। नहीं ब्लू हल्क, तू फिलहाल मेरे साथ चलेगा। चल मेरे साथ जल्दी से। अरे दोस्तों, ये तो मुझे गेम नहीं खेलने देगा, पीट रहा है। प्लीज मेरी मदद करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे मुझे पावर्स मिल जाए और मैं यहाँ से बचकर भाग पाऊँ और GTA 5 खेल पाऊँ। प्लीज दोस्तों, जल्दी करो ना। जिस जिस का सपना है GTA 5 खेलने का, वो मेरे सपोर्ट करेगा। नहीं, कोई तुझे सपोर्ट नहीं करेगा, तू गंदा पिटेगा। अरे गाइस, ऐसा बुरा कौन मारता है? अरे अरे अरे, अरे सर फाड़ दिया। बहुत ही गंदी लग गई। छोड़ दे मुझे। मेरी बात सुन, असल में मेरे पास तेरे लिए काम है। अरे क्या काम है? मैं आज से तेरा बॉस बनने वाला हूँ। असल में तुझे फ्रैंकलिन तो याद होगा ना? अरे फ्रैंकलिन किसको नहीं याद, फ्रैंकलिन को तो सब जानते हैं। हाँ, तो तुझे फ्रैंकलिन के पास जाना है और उसको किडनैप करना है, या फिर किसी तरह से उसको खत्म करना है, तेरी मर्जी। लेकिन तुझे उसे जान से मारना ही होगा, क्योंकि अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो तू ये काम जरूर करेगा। और अगर मैंने ये काम नहीं किया तो तू जान से मरेगा, ये ले। अरे बाप रे, मेरी फ्रैंकलिन से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा, तुझे माफी ही चाहिए, तो चाह फ्रैंकलिन को जल्द से जल्द खत्म कर। अरे यार, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब मुझे फ्रैंकलिन को ना चाहते हुए भी मारना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मुझे अगर GTA 5 खेलना है तो मैं अपनी ज़िंदगी बचा के रहूँगा और मैं जल्द से जल्द फ्रैंकलिन को ख़त्म कर दूँगा। तो जल्दी से जाता हूँ और फ्रैंकलिन को मारता हूँ। जल्दी चलता हूँ यार। मुझे कोई वेपन चाहिए नहीं, मैं अपनी पावर्स एक्टिवेट करके ही फ्रैंकलिन को ख़त्म कर सकता हूँ। तो फ्रैंकलिन नोहारा, आज तू बचेगा नहीं। अरे यार, क्या ही दिन आ गए, मुझे रेड हल्क को अपना बॉस बनाना पड़ रहा है। हाँ यार गाइस, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये ट्रैफिक इतना क्यों हो रहा है हमारे शहर में? एक तो मेरा बॉस मुझे कॉल किया जा रहा है, और इस ट्रैफिक की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ये पुलिस वाले हर जगह रेड लाइट करके रखते हैं, मेरा तो बड़ा ही दिमाग ख़राब हो रहा है यार। मैं क्या करूँ, कहाँ डूब के मरूँ? अरे यार कोई बात नहीं, मैं डूब के थोड़ी ना मरूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी को सफल बना के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं करूं क्या यार, बड़ा ही परेशान हूं मैं तो। एक मिनट, ये मुझे सही से फीलिंग नहीं आ रही है। अरे यार, ये मेरा बॉस क्यों कॉल कर रहा है? फ्रैंकलिन तू मरेगा। अरे बाप रे यार, ये कहां से आ गया? अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे मरना नहीं है। अरे बाप रे, नहीं। अरे 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 दोस्तों, इसने मेरी बात सीरियस ले ली। फ्रैंकलिन अब तू जान से मरेगा। अरे मुझे मार क्यों रहा है, ये तो बता दे, मुझे माफ कर दे, लेकिन तुझे मरना होगा। अरे बाप रे गाइस, ये माफी क्यों मांग रहा है? अगर मुझे मार रहा है तो फिलहाल मुझे यहां से भागना चाहिए। अरे मैंने ज्यादा ही बोल दिया, मुझे नहीं मरना, मुझे अभी और जीना। अरे बाप रे यार, अगर मैं मर गया तो GTA 5 कैसे खेलोगे आप लोग? मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से भागता हूँ। अरे यार, काफ़ी दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा तो। एक मिनट, ये कहाँ जा रहा है ब्लू होल्क? यार वो तो शुक्र है दोस्तों, मैं बच गया, लेकिन इस बॉस को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे कॉल पे कॉल करे जा रहा है। अरे मुझे चेक करना पड़ेगा दोस्तों, असल में जा किसके पास रहा है। मुझे सबसे पहले ये पता करना होगा कि इसका बॉस कौन है, क्योंकि ये मुझसे माफ़ी मांग रहा था और ये चाहता भी नहीं था मुझे मारना। इसका मतलब इससे ज़रूर किसी ने ऑर्डर दिया है। मैं इसको फॉलो करूँगा और उसको पकड़ के मारूँगा। अरे यार, फ्रैंकलिन तो मुझे मिला नहीं, अब मैं क्या करूँ? मुझे गुस्सा। अरे बाप रे गाइस, मुझे इसको बेहोश करना पड़ा। फ्रैंकलिन छोड़ दे मुझे, मेरी कोई गलती नहीं है। अरे हाँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं फिलहाल तुझे बेहोश कर रहा हूँ, तुझे मार नहीं रहा हूँ। हाँ तो गाइस, मैंने इसको बेहोश कर दिया है। अब चलो हम चेक करते हैं जल्द से जल्द कि कौन है इसका बॉस, और देखते हैं किसने इसको ऑर्डर दिया था मुझे मारने के लिए। उसके बाद मैं उसकी बैंड बजा दूंगा। हो चलो देखते हैं थोड़ा टाइम बाद। और यार, वो अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा? इस ब्लू हल्क को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर इसने आज फ्रैंकलिन को ख़त्म नहीं किया तो कहाँ पर है? अरे बाप रे, ये तो बेहोश पड़ा है। नहीं, मेरा प्लान तो सारा का सारा फेल हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से मुझे एक काम करना चाहिए, मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द और कोई नया प्लान बनाता हूँ। अरे गाइस, ये तो भाग गया। अरे बाप रे, इसका मतलब रेड हल्क ने ऑर्डर दिया था इसको किसी तरह से टॉर्चर करके। गाइस वो देखो कितने बुरी तरह से भाग रहा है। अरे बाप रे, मुझे जल्दी चेक करना पड़ेगा, जल्दी चढ़ा। फ्रैंकलिन मेरी पास, सुनो मेरे दोस्त। हाँ मैं समझ गया, असल में तुम्हारी गलती रही है। सुनो, क्या तुम और मैं होस्ट बन सकते हैं? अगर तुम और मैं होस्ट बन गए तो हम उस रेड हल्क से बदला ले लेंगे। ठीक है फ्रैंकलिन, हम दोनों तो होस्ट बन गए। हाँ हम होस्ट तो बन गए, लेकिन अभी हमें और पावर्स चाहिए, तो चलो जल्दी से जाते हैं और हम पावर्स को गैदर कर सकते हैं।
अरे बाप रे, ये गिरा रहा है, अरे बाप रे, ये कौन है? अरे बाप रे, ये तो कोई ट्रांसफॉर्मर्स की मशीन है। नहीं नहीं, ये कहाँ से आ गया? अरे मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, जरूर आयरन मैन ने मुझे मारने भेजा होगा। अरे फ्रैंकलिन, लेकिन आयरन मैन हमें क्यों भेजेगा मारने के लिए? उसका कुछ अता पता नहीं है यार। अरे बाप रे, मुझे जल्द से जल्द इसको बेहोशिया खत्म करना होगा, जिसकी वजह से मैं आयरन मैन को छोड़ूंगा नहीं। इसकी जल्दी से और कोई कार मिल जाए मुझे, जल्दी से पकड़ता हूँ उसको मैं, मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है। तेरी तो रुक मशीन, तुझे बताता हूँ, देख ये ले तेरी तो। हाँ, और ये, अरे बाप रे यार, कितनी पावरफुल है मशीन। फ्रैंकलिन यहाँ से भागते हैं मेरे भाई। नहीं, हम भागेंगे नहीं, इसकी बैंड बजाएंगे। तेरी तो रुक, अभी बताता हूँ तुझे। और गाइस, इसके पास इतनी खतरनाक पावर्स कहाँ से आ गई? तेरी तो अब तू गंदा मरेगा, ये ले। और ये खा। अरे वाह यार, इसकी तो काफ़ी बैंड बजा दी मैंने इसकी मशीन की, तो ये ले तेरी तो। अरे हाँ, चलो अभी काम करते हैं ब्लू हल्क, हम सीधा टोनी स्टार्क के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने हम पर हमला क्यों करवाया। हाँ ठीक है ठीक है, वैसे भी हमने इस मशीन को तो हरा ही दिया। हाँ, अरे बाप रे वाह, मैं तो गॉड वायलेट हल्क बन गया, मेरे पास क्या ही थोड़ा थे ना, उसकी पावर्स भी आ गई। हाँ, तुमने असल में बहुत ही पावरफुल बींग को हराया ना, इसलिए उसकी पावर्स तुम्हें मिल गई। अरे वाह, ये तो काफ़ी फैसला एडवांटेज है। चलो गाइस, अब जल्दी से चलते हैं और जाकर बदला लेते हैं उस टोनी स्टार्क के बच्चे से कि उसने असल में ऐसा किया क्यों मेरे साथ। आराम से, ठीक है अब जल्दी चलता हूँ। अरे यार फ्रैंकलिन, तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हें कैसे पता कि मैं फ्रैंकलिन हूँ? असल में मैं देख रहा था फाइट को, इसका मतलब तू ही था, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं टोनी स्टार्क। अरे रुको रुको, वैसे भी मुझे हमला करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक AI हूँ। क्या, तुम एक AI हो? हाँ, असल में मेरी असली बॉडी नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी से तुम मुझे मार नहीं पाओगे। अरे यार, ये तो गड़बड़ हो गई, तो मैं तुम्हें मारूँ कैसे? मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा कि तुम मुझे कैसे मारो? फिलहाल मेरी बात सुनो, वो जो मशीन थी असल में मैं उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो पता नहीं कैसी जैसी मैंने उसकी बॉडी के अंदर कुछ इन्फिनिटी स्टोन्स इंप्लीमेंट किए, उसका दिमाग घूम गया और वो तुम पर अटैक करने चला गया। शायद मैंने उसमें कुछ ऐसा कोड इंप्लीमेंट कर रखा था जिससे कि वो सिर्फ बुरे लोगों को या जो लोग तबाही पहुंचा रहे हैं हमारे शहर को उनको मारे, तो शायद उसने तुम्हें ईविल समझ लिया, इसलिए वो तुम्हें मारने गया। ओ अच्छा, ये बात है, इसका मतलब तो कोई बात नहीं, देख लूंगा मैं। लेकिन मुझे टोनी स्टार्क ने दोस्तों और भी बताया है कि असल में और भी मशीन्स हैं जो मुझे मेरी तलाश में है। अरे बाप रे, ये मशीन असल में ये मुझे बुरा समझ रहे हैं, तो इन्हें मारना तो पड़ेगा मुझे, नहीं तो ये मुझे मार देंगे। देखा दोस्तों, इतना बुरा मारा मैंने इसको, ये आयरन पूल तो गया, अब मेरे हिसाब से अभी और मशीन्स हो रहे हैं। अगर मैं उन सबको हरा दूंगा तो मुझे सॉरी के सॉरी पावरफुल बींग्स की पावर मिल जाएंगी और मैं बहुत ही खतरनाक बन सकता हूँ। ये देखो, इसकी तो बच गई बैंड। अब एक काम करते हैं, किसी और के पास चलते हैं और जाकर देखते हैं हम किस किस को और मार सकते हैं, मज़ा ही आ जाएगा। एक मिनट, ये अरे बाप रे गाइस, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। अरे नहीं नहीं नहीं, इससे कैसे लड़ूँ मैं? अरे फ्रैंकलिन, तुमने तो बड़े बड़े मशीहाओं को हराया है, ये तो फिर भी उसके आगे एक मशीन ही है। ठीक है ठीक है, अब ज्यादा चूना मत लगाओ मुझे। हाँ, अब देखो इसकी बैंड बजाता हूँ, एक मिनट। ये अरे बाप रे, ये सही पावर थी, काफी सही इस पर इफेक्ट कर रही है, लेकिन पता नहीं इस पर कब तक अफेक्ट करेगी। अरे बाप रे, अरे बाप रे, आग लगा दी मुझे। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, आग से हमें कोई परेशानी नहीं होती। मैं तो भूल ही गया, हम हल्के, हम वैनम थोड़ी ना है। अरे तेरी तो यार, यार कैसी मशीन है यार ये दोस्तों, यार मुझे उठना चाहिए। हाँ उठा जल्दी से, एक मिनट कहाँ पर है ये रहा, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। और ये उठा, और ये अरे बाप रे, ये क्या फेंक रही है? अरे बाप रे गाइस, तो मेटियोर्स भी फेंक सकती है। मेरे हिसाब से टोनी स्टार्क ने अपने सारे के सारे मशीन्स में इन्फिनिटी स्टोन्स लगा दिए हैं, पर इतने सारे स्टोन वो लाया कहाँ से? शायद मल्टीवर्स से, पता नहीं जो भी हो। लेकिन ये देखो गाइस, मेरी पावर कितनी ज़्यादा खतरनाक है, कहाँ तक जा रही है, अब मेरी पावर्स और भी खतरनाक हो रही हैं। ये देखो, अरे वाह यार, कितनी खतरनाक पावर गई। तो अब समय आ गया है मेरा जो सुपर गॉड ये थी बनने का। क्या बोल रहा है फ्रैंकलिन? हाँ ये देखो, मैं बन गया। अरे वाह दोस्तों, क्या ही कमाल का लग रहा हूँ। वाह फ्रैंकलिन वाह, मजा ही आ गया। चलो अभी टोनी स्टार्क की और भी मशीनों को हंट करते हैं। हाँ ये तो है, मुझे टोनी स्टार्क को भी ढूंढना है, वो है कहाँ पर, वो असली वाला, वो तो सिर्फ AI था, मैं ढूंढ कर रहूँगा। लेकिन मेरी पावर्स देखो, कितनी ही ज़्यादा खतरनाक पावर्स हैं यार, मुझ में मज़ा ही आ गया। हाँ मज़ा तो आ गया। चलो ठीक है, अब जल्द से जल्द हम उस टोनी स्टार्क की सारी मशीन्स को खत्म कर देंगे, मजा ही आ जाएगा यार। चलो जल्दी से, वाह यार क्या ही पावर्स हैं। अरे फ्रैंकलिन आराम से, मैं तो डर रहा हूँ। अरे डरो मत यार, तुम मेरे साथ हो गाइस, बाकी की वीडियोस देख लो, सामने जो आ रही हैं बहुत ही कमाल की हैं।